नमस्कार। केवीएस टीजीटी पीजीटी संस्कृत के इंटरव्यू में आप लोगों को मैं हर तरह से तैयारी करवा रही हूँ। बहुत सारे डेमो क्लासेस भी मैं दे चुकी हूँ और आप उससे काफी खुश हैं, प्रभावित हैं। और आप ही की डिमांड पर आज मैं इस तरह के प्रश्न लाई हूँ जो पैनल या सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे पूछ सकते हैं। विषय से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले हमें जानना है हमारा विषय क्या है, संस्कृत। और संस्कृत क्या है, एक भाषा है। तो हमारे प्रश्न यहीं से शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि भाषा ध्वनि प्रतीकों का एक ऐसा माध्यम है, ध्वनि प्रतीकों का एक ऐसा माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो वहां आपसे पूछा जा सकता है क्या कोई तीसरा रूप भी हो सकता है भाषा का? बताइए, हो सकता है। कौन सा? सांकेतिक भाषा। मान लो मुझे प्यास लगी है और मैं ऐसे करूं, ना मैंने मौखिक भाषा यूज करी, ना मैं कुछ लिख कर बता रही हूं, सिर्फ मैंने इशारा किया, तो कोई मुझे पानी पिला देगा, समझ जाएगा कि ये प्यासी है। मैं ऐसे ऐसे करूं, कुछ भी इशारों से भी भाषा होती है। आपको वहां उत्तर ये नहीं कहना कि नहीं जी हमने तो दो ही पढ़ी है। तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और सांकेतिक भाषा भी होती है जिसका प्रयोग ज्यादा नहीं होता क्योंकि वो स्थायी नहीं है, टिकी नहीं रह सकती। इस तरह से प्रश्न आपका शुरू हो जाता है भाषा से। मैं आप बच्चों, तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप घबरा रहे हैं कि संस्कृत हम बोल नहीं पाएंगे, किस तरह से उत्तर देंगे। जरूरी नहीं है कि सब बोल पाए। मैं भी नहीं बोल पाऊंगी बहुत ज्यादा, बहुत कम ही मैं भी बोल पाती हूँ। तो इसलिए इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपसे जितना बन पड़े उतना संस्कृत में उत्तर दीजिए। एक्सपर्ट भी हो सकता है थोड़ी देर बाद हिंदी में ही आ जाए, और यदि हो सकता है वो बहुत विद्वान हैं और संस्कृत पे संस्कृत बोले जा रहे हैं, तो आप उनसे परमिशन ले लें कि सर महोदय, क्या मैं हिंदी भाषा में उत्तर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? वो बिल्कुल आपको परमिशन देंगे। पता है आजकल हिंदी का ही बुरा हाल होता जा रहा है, तो ये सब लोग समझते हैं कि पढ़ा देंगे हम अच्छी तरह से लेकिन बोल नहीं पाएंगे। इंग्लिश भाषा का भी यही है, इतना प्रयोग में आने के बाद भी हर कोई थोड़ी बोल पाता है। तो इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है? बिल्कुल कूल होकर आप सब्जेक्ट का जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान रखेंगे, फिर आप किसी भी भाषा में बोलें, आप उनको इतना प्रभावित कर दें अपने उत्तरों से कि हाँ मुझे ज्ञान है और मैं अपना ज्ञान बच्चों तक स्थानांतरित कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो कोई मायने नहीं रखता कि आपने हिंदी में उत्तर दिया या संस्कृत में, ठीक है? तो प्रश्न, पहला संभावित प्रश्न क्या बना हमारा स्टार्टिंग में ही, कि भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। उसके मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, तीसरा सांकेतिक भी है। ये तीसरा तभी बताना है जब आपको पैनल उलझाने की कोशिश करे। फिर लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? वर्ण चाहिए होता है। जो भी कुछ हम बोल रहे हैं ध्वनि, उसको जो हम जब हम लिखेंगे तो वो वर्ण कहलाते हैं, कि ध्वनि की लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। कौन सी? और सबसे छोटी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। आपसे वर्ण की परिभाषा पूछ सकते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो क्या बताया मैंने? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जितने भी आपके सारे स्वर हैं वो वर्ण हैं। और वहां यदि आपसे पूछे कि क्या ये वर्ण है, नहीं है वर्ण। क्यों? डेफिनेशन क्या बताई? जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। क्या? क प्लस अ। अब ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है।
इतनी बातें यदि आप स्पष्ट करके पहले से ही जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि चाहे ऐसे घुमाकर पूछें ऐसे पूछें हम उत्तर दे सकते हैं। मान लो फिर आपसे किसी शब्द के कहें कि इसका वर्ण विच्छेद करिए, कक्षा 5 में 6 में वर्ण विभाजन और वर्ण संयोजन का एक प्रश्न होता है, आपने देखा होगा, वर्णों को अलग अलग कर देना वर्ण विभाजन, वर्णों को जोड़कर लिख देना वर्ण संयोजन। मान लो आपसे कहें अक्षर इसका वर्ण विच्छेद करिए, आपको ध्यान रखना है कि जो ये स्वर हैं, ये अपने आप में वर्ण हैं, इसको नहीं हमें कुछ तोड़ना, और पूरा का पूरा लिख दें, इसको हलंत भी नहीं करना। अब ये है बीच में क्ष, अब यही देखने के लिए उन्होंने ये आपको दिया है, ये बनेगा क्ष, ध्यान रखिए क्ष में ये वाला श होता है। आपको अलग से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्ष में कौन कौन से वर्ण हैं, ज्ञ में कौन कौन से वर्ण हैं, इन दो को आपको स्पेशली तैयार करना है। तो यहां हम कर रहे थे क्ष, ये पूरा अ बन गया, र प्लस अ। ध्यान रखना है कि स्वर को हलंत नहीं लगाना, व्यंजन पे हलंत लगेगा, ठीक है। और ज्ञ के कैसे टुकड़े होंगे, ज्ञ, इसको ज ज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर दूसरी बात बताती हूं आपसे, इन दो वर्णों का उच्चारण भी पूछ सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। ये है, मैं राजस्थान में पढ़ाती थी तो वहां के लोग ड़ बोलते हैं, क ख ग घ ड़, क्योंकि अपने स्थान का उस पर प्रभाव आ जाता है। लेकिन हमें सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट के नाते अपनी कहीं का प्रभाव नहीं आने देना है, तो हम इसको ङ बोलेंगे। ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है, ङ गले से, कंठ से, इसका उच्चारण कंठ नासिका च, इसका उच्चारण स्थान है ङ। और ये इचु यशानाम तालु, इसका तालु और नासिका उच्चारण स्थान है, तो इसका हमें बोलना है ङ, 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 ये उच्चारण पूछ सकते हैं और उच्चारण स्थान भी पूछ सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, वर्ण किसे कहते हैं, कुछ उच्चारण कराकर देख सकते हैं, उच्चारण स्थान पूछ सकते हैं आप लोगों से, किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। मान लो मैं पूछती हूं आपसे कि व का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको यहां सूत्र याद करने हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, हर तरह की वीडियो आपको अवेलेबल होगी, उच्चारण स्थान की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पुराने वीडियोस में, उसमें देखिएगा पूरा सूत्रों के अनुसार, वकारस्य दंतोष्ठम, तो जब सूत्र 9-10 सूत्र हैं सारे, वो याद हो जाएंगे, पूरा उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएगा, कहीं से कुछ भी पूछ लें फटाक उत्तर तैयार है। तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, व ये देखिए दांत होठ पर लग रहे हैं, दंतोष्ठ। इस तरह से आपको उच्चारण स्थान बता देने हैं, उच्चारण करा के पूछ सकते हैं, वो हिंदी में होता है वैसे तो ये इस और ये, इनके उच्चारण स्थान हिंदी के आ गए, खैर ये तो संस्कृत वालों को नहीं पूछेंगे, हिंदी में जाता है ये। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ण हो गया, चलो वर्ण माला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, ठीक। अब मेन प्रश्न, वर्ण कितने हैं, सोचकर बताइए मुझे, 2 सेकंड लगाओ कि वर्ण कितने हैं, संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, और यदि ये किसी बच्चे से आपसे पूछ लिया और जैसे मैं उत्तर बता रही हूं, यदि आपने वैसे उत्तर बता दिया तो समझ लेना आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोक सकेगा। कुछ आया अभी तक दिमाग में, वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में, इसका उत्तर मैं कंफ्यूजिंग क्यों कह रही हूं, क्योंकि पाणिनि के अनुसार स्वर है 9, पाणिनि, आपको यही उत्तर देना है कि महोदय
पाणिनि के अनुसार स्वर हैं नौ, स्वरों की संख्या नौ है। कौन कौन से हैं? उन्होंने सूत्र दिया है अच अच स्वराहा। अच का मतलब क्या है? अ ई ऊण अण हटा दिया, अ ई ऊ रील री ए ओ आई औ। ठीक है, तो आपको माहेश्वर सूत्र भी याद करने हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं, 14 हैं। माहेश्वर सूत्र भी याद कर लेना। अ ई ऊण रील रिक ए ओंग आई औच हायावरट लण यामांगणनम झभय घडधश जबगडधश खफ थ चटतव कपय शशसर हल। इस तरह से ये 14 माहेश्वर सूत्र आप लोग याद कर लेना। होते हैं तो, नहीं होते हैं जरूरी नहीं है हर प्रश्न का उत्तर देना। बोझ लेकर नहीं जाना सिर पर, बार बार बता रही हूँ। बिल्कुल लाइट मूड से जाओगे, जो आता है ठीक है, नहीं आता बिंदास, नहीं आता सर याद कर लूंगी कर लूंगा। कई बच्चे बहुत डरे हुए हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। डरना तो है ही नहीं, बिल्कुल मस्त होकर जाना है। हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, ये सोच कर जाओगे जरूर होता है। ठीक है, तो पाणिनि के अनुसार स्वर हुए नौ, फिर नौ ही है तो वो बताए, पूछेंगे कौन कौन से। हमको लिखना है अ ई ऊ री री ए ओ आई औ, ये हो गए नौ स्वर। अब यहां आपको घुमाएंगे वो कि आ कहां गया, ई कहां गई, दीर्घ ऊ कहां है, दीर्घ री कहां है, वो कहां है, तो क्या वो स्वर नहीं है? तो इसीलिए हमने पहला सेंटेंस बोला पाणिनि के अनुसार स्वर नौ हैं, लेकिन आजकल हम बच्चों को व्याकरण में स्वर 13 सिखाते हैं, संस्कृत में 13 स्वर। कैसे? ये 5 स्वर कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ये जो 5 लिख दिए सिंगल एक मात्रा वाले ह्रस्व स्वर, इन्हीं को मैं दीर्घ कर दूंगी री को छोड़कर। अ का किया आ, ई ऊ डबल मात्रा कर देंगे री, ये 4 हो गए दीर्घ स्वर। और ये जो 4 अंतिम बचे हैं ए आई ओ औ, ये हैं संयुक्त स्वर। तो टोटल कितने हो गए? 13, 5, 4, 4। खाली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ह्रस्व स्वर कितने? 5। दीर्घ स्वर कितने? 4। संयुक्त स्वर कितने? 4। अगला प्रश्न बनता है, ये संयुक्त क्यों, किस किस का मेल हुआ है? अ प्लस ई ए, अ प्लस ए आई, अ प्लस ऊ ओ, अ प्लस ओ औ। अ से मतलब अ आ दोनों। इस तरह से डीप नॉलेज रखना है। मैं इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पर आपको सिखाऊंगी, संभावित प्रश्न बताऊंगी, उत्तर सिखाऊंगी। कि एक साथ सारे प्रश्न बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा वो शैलो नॉलेज रहेगी, मजा नहीं आएगा आपको उत्तर देने में। तो आज हमने किया वर्णों पर आधारित, क्या क्या पूछ सकते हैं, भाषा, वर्ण, वर्णमाला, ये सब तरह के ह्रस्व दीर्घ संयुक्त वर्ण। फिर व्यंजन पूछ सकते हैं, व्यंजन कितने हैं? 33 है, 33। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 4 अंतस्थ है यर लव, 4 ऊष्म है श श स ह, क्षत्र ज्ञ श्र द्व द्य, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इतना पता है इसलिए उतना सब नहीं बता रही हूँ, वो सब नहीं पूछेंगे। मेन चीज उच्चारण, उच्चारण स्थान और वर्ण किसे कहते हैं, ये हो गया। और स्वरों की संख्या जरूर याद करनी है, स्वर किसे कहते हैं। उसके बाद एक दो प्रश्न और करते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। शब्द और पद में अंतर प्रायः पूछा जा सकता है, शब्द और पद में अंतर क्या है? आप शब्द की डेफिनेशन बताइए पहले, कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मान लो वर्ण हमने लिखा ये क,
म अ ल अ सारा मिलकर बन गया कमल। ये एक वर्णों का सार्थक समूह है कमल। कमल का एक मीनिंग होता है अपना क्या, फूल। एक कमल का फूल लोटस। कमल किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। तो क्या, कहां इस कमल का अर्थ फूल है और कहां इस कमल का अर्थ लड़का है, ये कब पता लगेगा, जब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तालाब में कमल खिले हैं अर्थात फूल खिले हैं। घर जाकर कमल ने खाना खाया, तो यहां कमल एक लड़के का नाम हो गया। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब वो शब्द के साथ विभक्ति वचन लग जाते हैं और तब वो वाक्य में जब वो प्रयुक्त हो जाता है उसको पद कहते हैं। सुप्तिगंतम पदम, संस्कृत वालों के लिए सुप्तिगंतम पदम यानी सुऔज समौक्षस वगैरह, जब वो विभक्तियां प्रत्यय सब लग जाते हैं तब वो एक शब्द पद बन जाता है। राम एक शब्द है, राम को हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। अब जब इसका हमने रामह बना दिया, रामो रामा रामम रामो रामेण वगैरह बना दिए, तब वो पद बन गया कि राम एक शब्द है और रामह पद है। समझ में आया? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसी तरह से मैं संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।